जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें ये खाद ज़्यादा है ना, गोबर, ये मकाई नहीं चली है तो ये उलट पुलट करना पड़ता है, यानी कि इसमें गायों का गोबर ज़्यादा हो गया। ये यहाँ गोबर तक यहाँ तक पड़ा था, ये मकाई भी नहीं निकली है क्योंकि इसमें बहुत खाद होता है, इसीलिए मैं बोला ये इसको वापस ये फांगा लगा देंगे, ये ना कि खेत में हर लगाएंगे ना जोत देंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि नीचे से ब्लैक माटी आ जाएगी और दोनों मिक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो फांगा है उलट पुलट काम करता रहता है। तो इसमें ये गाय का गौमूत्र और गोबर बहुत ज़्यादा हो गया है, इधर खाद भी पड़ा था और दूसरा यहाँ से ये जो बारिश आती है ना तब इधर से ये डेला से और ये डेला से यहाँ से पानी आता है, ये पूरा खेत में जाते हैं। जो बारिश के टाइम जो गोबर आता है ना, गोबर और गौमूत्र, ये ज़्यादा हो गया है। इसमें मक्का भी बाहर नहीं निकली, ये निकली है कहाँ कहाँ, ये कहाँ कहाँ निकली है। मैं बोला एक बार इसमें कोई भी नहीं निकलेगा, ये मक्का ही निकलती है इसमें, ज्वार बार तो निकलेगा ही नहीं। और मक्का ही देखो ऐसी हो गई है, मक्का ऐसी हो गई है, वैसा है भाई साहब। यार ना ये गोबर ज़्यादा हो गया, इसमें तो गोबर ज़्यादा नहीं है क्योंकि 8 साल से इसमें ओ हीरामणि घास था, तो इतने मकाई खा लेंगे ना गाय, तब तो ये वापस मैं बोला तैयार भी हो जाएगी, कहना ये दूसरी बार लगा देंगे मक्काई। मक्काई पहले तो लगाना पड़ेगा, इसमें दूसरा कुछ होता नहीं। इधर भी देखो ये तरबूज है, ये तरबूज कोई बढ़िया नहीं बनने वाला मेरे हिसाब से, इसमें वापस मक्का ही लगाना पड़ेगा। ये इतना में तो ये ट्रैक्टर वाला की गलती है, लगाने वाला की, तो यहाँ नहीं निकली है मक्का, लेकिन ये इसमें गोबर ज़्यादा, तो अभी इसमें फांगा लगाएंगे, फांगा के बाद वापस इसमें रोटावेटर मारेंगे, क्योंकि वापस रोटावेटर मारेंगे तब ये खेत सही होगा, क्योंकि ये खेत सही करना बहुत ज़्यादा इसमें सलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि ये गोबर नीचे सला जाएगा ना और ब्लैक माटी जो नीचे से ऊपर आ जाएगी तो सही हो जाएगा दोनों तरफ से काम, तो ब्लैक मिट्टी के साथ ये मिक्सिंग हो जाएगा जब रोटावेटर मारेंगे इसमें तब, ऐसा है भाई साहब, ये ना कैसा है। इसमें क्योंकि ट्रैक्टर चला देगा ना तो उलट पुलट हो जाएगा, तो बाद में खाद कम हो जाएगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी। दूसरा में ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, तो ये 2-3 आदमी इसमें कम है, कम तो नहीं है ज़्यादा है, पर लेकिन कोई कोई के पास पैसा वाला प्रॉब्लम है, ये पूरा नहीं होता, कोई के पास 1.5 लाख नहीं होता, तो आप किसी को जाना है तो वहाँ पगार बढ़िया है और वो हमारी गारंटी है, वहाँ का 2000 मिलते हैं, वहाँ के यूरो 2000 मिलते हैं, कितना मिलता है यूरो, और इधर 1,90,000-97,000 के आसपास होता है। उसमें काम आपको करना है 8 दिन में, अठवाड़िया में 5 दिन ही, 40 घंटा, तो बहुत बढ़िया है जाने के लिए ये मौका है। आप किसी आदमी को जाना है ना तो बढ़िया है, आप इमरजेंसी में ही कीजिए, इधर उधर से देखते हैं तो कोई पहुंच नहीं सकता, तो आप पैसा आंगड़िया भी कर सकते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सूटनी कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी और पासपोर्ट, ये ना पासपोर्ट का आगे पीछे वाला 2 पेज और 2 फोटोस, क्या ना कि फोटोस 2 तस्वीर भी आप बोल सकते हैं, 2 तस्वीर आप डाल सकते हैं, वो आंगड़िया भी कर सकते हैं और इमरजेंसी में वहाँ बढ़िया पगार मिलता है। एक दिन का आपको हिसाब लगाएंगे ना 10,000 मिलता है, 10,000 में थोड़ा कम, 8 घंटे का,
और हमारे एक वहाँ हमारी साइड का है पोरबंदर का, हमारी जाति का है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में। तो उस वो भी बता रहा था कि राम भाई इधर पगार 3.5 लाख तक मिलता है, 3.5-4 लाख तक। तो किसी को जाना है ना तो ये जल्दी में करना, ये ना कि जल्दी में है, क्योंकि उसको और पगार भी बढ़िया है वहाँ। एक दिन का 10,000 तो बहुत होता है, और जो ओवर टाइम मिलेगा ना उसमें, ओवर टाइम में वो 2 गुना पैसा मिलेगा आपको, कि एक दिन का 10,000 है तो एक दिन का 20,000 मिलता है आपको, 8 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो। हमेशा 2-3-4 घंटा ओवर टाइम ही देते हैं, लेकिन वहाँ एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास एग्रीमेंट 2,000 यूरो का ही है, तो हम वो ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी बर्फ़ गिरती है, तो महीना 15 दिन आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम नहीं मिलेगा आपको, पगार तो मिलेगा ही, जो एग्रीमेंट में है वो तो मिलेगा ही पक्का, लेकिन जो बारिश गिरती है, बारिश के साथ बर्फ़ गिरते हैं, तो उसमें कभी कभी किसान का काम रुका रहता है, तो आपको 8 घंटा का तो पगार मिलेगा ही, हर महीना का जो 2,000 यूरो है वो तो मिलेगा ही, और खाना पीना आपके ऊपर है, आप जो बनाए बनाना भी आपको पड़ेगा, और अनाज करियाना भी आपको खरीदना पड़ेगा, और वहाँ 100 रुपया एक यूरो, यूरो बोलते हैं 100 यूरो कि 150, इतना ही खाने में खाने का खर्चा आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता वहाँ, तो भी आप यहाँ का इंडिया का आपको 10,000 का खाने का लगेगा, ये ना 10,000, तो भी 1,90,000 के आपके आपके पास बसेगा, लेकिन बसता तो है 3 लाख 3.5 लाख वो बता रहा था, वो तो हमारे को हम गारंटी नहीं देते, हम तो गारंटी 1,97,000 की देते हैं 9, ये ना वो ही एक मंथ का पगार है आपका। तो जाने के लिए भाई साहब बहुत बढ़िया देश है, और 20 ही आदमी बंदा चाहिए, बंदा या लेडीज कोई भी चलेगा उसमें, ऐसा नहीं है कोई भी उम्र चलेगी, और उसमें कोई मेडिकल भी नहीं है, कोई मेडिकल उसमें कोई मेडिकल नहीं करवाना है भाई साहब, आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, लिविंग शर्ती, शादी हो गई तो ही चाहिए मैरिज शर्ती, और कोई उम्र मायने नहीं है, 21 साल से 47 साल तक एज है उम्र, और दूसरा उसमें वजन कोई नहीं है, वजन आपका कितना भी होगा, 40 किलो होगा, 50 किलो होगा, 140 होगा, 150 होगा, तो भी चलेगा, उसमें वजन कोई नहीं है, और आप दो बीवी और मियाँ दोनों भी जे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जे सकते हैं, दोनों भी जे सकते हैं, वो भी एक जगह पे आपको काम मिल जाएगा, दोनों को बीवी और मियाँ होगा तो ऐसा है भाई साहब, इसको जो किसी को जाना है और आपको जाना है, कोई रिश्तेदार को जाना है, तो ये हम झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं, हर जो एजेंट होता है, दलाल होता है, झूठ बोलते हैं, और उसके पास सबके पास ऑफिस होती है, वो ऑफिस किराए पे होती है, भाड़े पे, और वहाँ ज़्यादा कोई सामान भी नहीं होता, तो ये हम किसान हैं, और दूसरा ये हमारे पास ऑफिस नहीं है, जहाँ हम बैठते हैं ना वहाँ घोड़ा का रूम है, करोड़ों का घोड़ा खड़ा है, और जो रूम है ना 12 रूम है वहाँ, वो भी 50 लाख की ऑफिस है, लेकिन यहाँ खटिया है और कुर्सी है, दूसरा कुछ नहीं है, तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ करोड़ों की जायदाद है हमारी, हमारा रेसिडेंट भी वहाँ है, हमारी गाय भी वहाँ है, घोड़ा भी हमारे पास है, तो ये कोई कोई लोग डर रहा है कि राम भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो ऐसा हम नहीं है, आपका पैसा की जिम्मेदारी हमारी है पूरी गारंटी के साथ, आप नहीं जा सकते तो आपका पैसा हम वापस दिलवाने के लिए हमारी गारंटी है, तो आप किसी को और कोई भी इसमें कोई राज्य ऑल इंडिया में से आप जा सकते हैं, है लेकिन इमरजेंसी में, यह ना कि इमरजेंसी में जाना पड़ेगा भाई साहब, और इजराइल भी अभी चालू है हमारे पास, इजराइल भी है, और कोसियो में ड्राइविंग है, यह ना कोसियो में ड्राइविंग है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपके पास, हेवी लाइसेंस चाहिए, और वहाँ भी 1,80,000 पगार, और इधर दूसरा ये है कि भाई
ये 20 ही बंदा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले तो हमारे पास 10 ही बंदा था, लेडीज़ और बंदा कोई भी चलेगा। तो इसमें भी ये 2-3 ही कम है, कम तो नहीं है, ज़्यादा हो गया है। लेकिन हर आदमी हमारे को इधर पैसा दे के नहीं गया है, बोलते हैं, फ़ोन तो बहुत लोग करते हैं, वो तो जानने के लिए, वो तो जानने के लिए भाई साहब फ़ोन मत करना। क्यों, क्या जानना है इसमें? आपको जाना है, पक्का ही है कि आपके पास पैसा है, जाना है तो सीधा इधर आ ही जाना हमारे घर पे। हमारा गांव है कुणोदर, जिला पोरबंदर है, तहसील भी पोरबंदर है, गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 9825205389। और एक दूसरा भी नंबर बोल देता हूँ, 8160027415। ये मेरा दूसरा नंबर है। तो किसी को जाना है तो ये जल्दी करना, है ना, कि जल्दी करना। और क्रोशियो में भी ट्रक ड्राइवर चाहिए, और इज़राइल में किसान चाहिए एग्रीकल्चर में, और ये टोसियो है ना, इस टोसियो, टोसिया ही बोले था उसको, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो उसमें भी ये बार ना कि एग्रीकल्चर का ये 20 आदमी चाहिए, लेडीज़ और बंदा। और उम्र लेडीज़ की उम्र है 21 साल से 45 साल, 21 से 41। और मेडिकल नहीं है इसमें, तो ये बढ़िया है, यानी कि ये बढ़िया है बिना मेडिकल वाला। क्योंकि कोई डायबिटीज़ वाला होगा, कोई छोटा मोटा हाथ पैर टूटा होता है तो वो मेडिकल में आ जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बढ़िया है सबसे, यानी कि ये बढ़िया है। अब कोई भी आदमी होगा, ये पूरा इंडिया में से चलता है, ऐसा नहीं है कि ये गुजरात का के पोरबंदर का नहीं है, हमारे को पूरा इंडिया का आदमी चाहिए। और वो भी एग्रीमेंट करके हम आपको दे देंगे, यानी एग्रीमेंट करके 300 रुपया के पेज पे लिख के दे देंगे भाई साहब। तो ऐसा है भाई साहब, देखो ये इसमें मक्का लगाई थी गायों के लिए, तो ये मक्का तो इसमें खाद ज़्यादा हो गया है, गाय का गोबर और गौमूत्र, तो इसके मैं ट्रैक्टर वापस चला रहा है कि ये उलट पुलट खेत कर देंगे ना, तो थोड़ा गोबर नीचे चला जाएगा ज़मीन के, तो 2-3 दिन सूख जाएगा ये, तो उसके बाद वापस रोटावेटर लगा के वापस मकाई लगा देंगे, वही करना पड़ेगा। इसमें मक्का ही निकलेगी, क्योंकि जो ये उलट पुलट खेत हो जाता है तो हमारे ब्लैक मिट्टी होती है, तो ब्लैक मिट्टी में खाद ज़्यादा हो गया। जय माता जी।